दीक्षित कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जो है कल इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हुम और विच के बारे में बताया था। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपको हुम और विच का यूज बताया था इससे पीछे वाले लेक्चर में, लेकिन अब आज भी वही है लेक्चर, लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हुम या विच का यूज होगा। यानी प्रेपोजिशन के साथ हुम और विच का यूज कैसे करते हैं, यानी अब हुम और विच के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, प्रेपोजिशन के साथ। एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर नॉन लिविंग थिंग होगा, छोटी वस्तु होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो उसके लिए हम लोग विच का ही यूज कर लेंगे। लेकिन अगर लिविंग थिंग होगा, जैसे मैन है, अगर लिविंग थिंग होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, और विच का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, विच होता है। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही तो पिछले वाले लेक्चर जाकर देखेंगे, 27th लेक्चर ऐसा है, तो अगर उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीजें बनती हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो बहुत कमजोर, यानी बैठने का काम कौन कर रहा है जी, तुम, लेकिन बैठा जा रहा है किस पे, कुर्सी पर। तो जिस कुर्सी पर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो कहेंगे कि कुर्सी, द चेयर, द चेयर ऑन विच WHICH विच, अब यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो तो क्या होगा, यू आर सिटिंग, SITING, यू आर सिटिंग, अब बहुत कमजोर है तो इज वेरी वीक, WEAK। अब बताइए इसका जो बहुत कमजोर है तो कौन बहुत कमजोर है दोस्तों, कुर्सी। तो कुर्सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखिए कह रहे कि जिस छत पर तुम पतंग उड़ा रहे हो बहुत खतरनाक है, यानी छत लिखेंगे द रूफ ऑन विच, क्योंकि छत क्या है दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑन विच होगा। यू आर फ्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, उड़ाना, तो उड़ा रहे हो तो फ्लाइंग, तो लिखेंगे फ्लाइंग, यू आर फ्लाइंग काइट इज वेरी डेंजरस, DANGEROUS, ठीक है, DANGEROUS, डेंजरस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट, जिस गांव में गांधी जी पैदा हुए थे बहुत क्या है, प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे द विलेज, VILLAGE, द विलेज। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मे के लिए मीनिंग जो होती है इन का भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जैसे अगर आप कहेंगे कि दिल्ली है तो दिल्ली में, तो इन दिल्ली आप यूज करेंगे, लेकिन दिल्ली में कोई, दिल्ली के कंपैरिजन में कोई छोटा प्लेस हो, यानी उसी में कोई नाम हो, कनॉट प्लेस है, तो दिल्ली में कनॉट प्लेस पर, तो एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली, यानी बड़े के लिए जो बड़ी यूनिट होती है उसके लिए इन का यूज करते हैं, और उस बड़ी यूनिट में जो छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एट। यानी गुजरात में, ये एक्चुअल में ये गुजरात में पैदा हुए थे, तो गुजरात में एक गांव है पोरबंदर, शायद पोरबंदर में ही पैदा हुए थे, तो उस गांव का नाम है, तो चूंकि इस गांव के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मे का यूज करें। तो द विलेज एट विच, द विलेज एट विच गांधी जी वाज बोर्न, गांधी जी वाज बोर्न इज वेरी फेमस, FAMOUS, फेमस। तो ध्यान रखिएगा ये फेमस का क्या होगा दोस्तों, FAMOUS, फेमस, ठीक है, FAMOUS, फेमस होगा। अब चलिए अगला लिखते हैं, कह रहे कि जिस कलम से तुम लिख रहे हो मेरी है,
यानी ये बताइए कलम क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, लिखने का औजार है। तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, विद का यूज करते हैं। कलम से लिख रहे हैं, कप से पानी पी रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि चम्मच से तुम खाना खा रहे हो, तो जहां ये इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं, फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो लिखेंगे द पेन विथ WITH विथ विच द पेन विथ विच यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग WTING है, ठीक है, राइटिंग। अब कह रहा है कि इज, अब माई नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्या होता है माई, इसको मैं बताऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पजेसिव एडजेक्टिव होता है, फिर पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आई का, आई अगर एक्चुअल में हम लोग बात करें तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, और इस आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, माइन, इज माइन। जिस कुएं में तुम कूद रहे हो, ये बताओ, जहां भी जंपिंग की बात आती है तो मे के लिए दो चीजें यूज होती है, इन या इन टू। तो ये बताइए, जब आप किसी चीज में, जब कुएं में आप जंप करेंगे, इसका मतलब कि आप मूविंग फेज में है, यानी जंप करते वक्त आप गति में है, और जब मोशन में होता है, गति में होता है, तो इनका यूज ना करके क्या यूज होता है दोस्तों, इन टू। तो लिखेंगे द वेल, कुआं का क्या होता है, द वेल इन टू विच WHICH यू आर जंपिंग, यू आर जंपिंग इज वेरी डीप, इज वेरी डीप। तो द वेल इन टू विच यू आर जंपिंग इज वेरी डीप। चलिए अगला देखते हैं, जिस मकान के पीछे तुम लोग रह रहे हो मोहन का है, यानी मकान जिसके पीछे, तो लिखेंगे द हाउस या घर ले लिया, द हाउस के पीछे के लिए क्या होगा दोस्तों, बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड विच यू आर लिविंग, LIVING अब मोहन का है, जैसे मोहन का है तो यहां पर यूज किया जाएगा दोस्तों बिलोंग, BELONGS belongs to मोहन, क्या यूज होगा दोस्तों, belongs to मोहन, MOHAN belongs to मोहन। जैसे अगर मैं आपको एक, जैसे आप कहोगे कि मैं दिल्ली का हूं, मैं दिल्ली का हूं, तो इसके लिए यह यूज होता है, ध्यान रखिएगा, आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। अगर आप यूज करते हैं मैं बलिया का हूं, ठीक है, तो आई बिलोंग टू बलिया। तो अगर इस टाइप के अगर कहीं भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले हिंदी में तो बिलोंग का यूज होता है, तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू मोहन। अब बात आती है कि एस क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर मकान क्या है, सिंगुलर है, इसलिए बिलोंग्स लगा है। चलिए, जिस लड़के के साथ वह खेल रहा है बहुत शरारती, अब बताइए लड़का क्या है दोस्तों, लिविंग थिंग है, और आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम लोग लिविंग थिंग की बात कर ले, अगर लिविंग यानी सजीव की बात कर ले, तो जब सजीव होगा तो उसके लिए क्या यूज होगा दोस्तों, होम का यूज होगा। तो लिखेंगे द बॉय विद होम ही इज प्लेइंग He is playing is
वेरी नॉटी, इज वेरी शरारती है, बहुत शरारती है, तो इज वेरी नॉटी, NAUGSTY, नॉटी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, बाकी चीजें तो आप पिछले लेक्चर में सीख भी चुके हैं, बस आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताना है। जिस आदमी के पीछे मैं बैठा हूं, तो द मैन के पीछे का क्या होगा दोस्तों, बिहाइंड ही होगा, के पीछे लिखेंगे द मैन बिहाइंड हुम आई एम सिटिंग, WTING, आई एम सिटिंग इज वेरी टॉल, TALL, टॉल लंबा। चलिए, कह रहा है कि जिस आदमी के चारों ओर लोग खड़े हैं, यानी द मैन अराउंड, के चारों ओर का क्या होता है दोस्तों, अराउंड, AROUND, अराउंड whom people, people, people are standing, क्योंकि the people are standing, the भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं whom the people are standing is a famous leader, FAMOUS, famous leader, LEADER, is a famous leader। अगला है, लास्ट है, जिस आदमी के बगल में तुम बैठे हो, यानी आदमी, द मैन बिसाइड, देखिए बिसाइड का मतलब होता है क्या दोस्तों, के बगल में, और वही बात आ जाए बिसाइड्स, अगर एस जुड़ जाए, एक बात बता दे रहा हूं इसमें, अगर आपको SIDE, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, और इसी में जुड़ जाए बिसाइड्स, BESIDES, अगर बिसाइड्स जुड़ जाए तो के अतिरिक्त हो जाएगा, के अतिरिक्त क्या होगा दोस्तों, के अतिरिक्त मतलब, या के अलावा, ठीक है। तो चलिए, अब समझ चुके होंगे इसको, तो बनाते हैं, द मैन बिसाइड हुम यू आर सिटिंग, इज द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट ऑफ कैंसर, CANCER, कैंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि आखिरकार प्रेपोजिशन के साथ whom और which का यूज कैसे किया जाता है। देखिए ये चीजें टफ नहीं है, बस आप धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट में, ये लगभग 28 लेक्चर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट को किस किस प्रकार से मैनेज करके चलते हैं और उनको ट्रांसलेट किया जाता है। हम लोग ये चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें हम लोग इधर का उधर पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है। अगर प्रॉपर वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं, एक लाइन से पढ़ते हैं, तो चीज़ें बड़े क्लियर होती चली जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम बड़े आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक